हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, हमेशा ये नियत बहनी है। देखिए ये चार मिसाल सुने। आज हम तुम्हें मसल उठाएंगे, आज हम तुम्हें मसल उठाएंगे, आज हम तुम्हें मसल उठाएंगे। अपने भाई, अपने भाई, मैं तो शेर पढ़ने जा रहा हूँ।
भाई, 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 सभी दोस्तों जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ ना, इन सबको उठाना है मुझे, उठाना है। लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आपको मेरे गरीब नवाज की कसम, इशारा करूं तो बैठ जाना, क्योंकि अगर शेर जिस तरह पढ़ना चाहता हूँ मेरा आपको साथ देना है। अभी बैठ जाओ, बड़ा मेहरबानी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरे गरीब नवाज से मोहब्बत है या नहीं है, है ना? ज्यादा गुफ्तगू मत कराओ, बैठ जाओ, टाइम पास होता है, बैठ जाओ। मेरे अल्लाह
नहीं 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 प्लीज मेहरबानी खुदा खुदा बंदे आलम है परवरदिगार है परमात्मा सृष्टि के पालनहार तेरे बंदे की मत यहीत क्या है तेरे भक्त की बस यही प्रार्थना है कि अल्लाह मेरी ये रुदाद सुन ले ईश्वर मेरी इतनी फरियाद सुन ले खुदाया मेरे दिल में है इतनी हसरत प्रभु 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 मेरे हृदय की है बस ये चाहत क्या चाहत है नमः हुस्न की नमः हुस्न की हम जो बच्चा ये सब मैं वहां पीएम साहब के सामने नहीं कर सकता था उन्होंने बंदिश की मांग पता उन्हें सब था लेकिन मुझे टाइट नहीं था नमः हुस्न हम जीवन चाहता हूँ नमः प्यार प्यार दुल्हन चाहता हूँ नमः चांद जैसा ललन चाहता हूँ नमः रोशनी किरण चाहता हूँ न बस्ती न सहरा न बन चाहता हूँ न गुल और न मैं गुल बदन चाहता हूँ Thank you.
तो दोस्तों लीजिएगा, जरूरी है अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह से दुआ मांगी, अपने वतन के लिए दुआ मांगी, अपने लिए, सभी के लिए, सभी मोमिनों के लिए, तमाम हिंदुस्तान के वासियों के लिए। अब जरूरी है ये किस्मत की जो डोर है, ये जंजीर जो है ये टूटनी नहीं चाहिए। सरताज जहरा दामाद पैगंबर फातह खैबर सरकार वाला भी मुश्किल पुशा की शान पे एक मनकबत पेश करवा। चलिए सुन कीजिएगा, बजाइएगा। स्टेज पे कमाल साहब के लिए 15 कॉफी दे दीजिए बगैर चीनी की। कॉफी वाले भाई 2 बगैर चीनी की और 13 कॉफी चीनी वाली फौरन आप स्टेज पे भेज दीजिए। कॉफी वाले भैया आप भेजिए, हम पर्ची आपकी भेज रहे हैं। भाई बैठ जाए, सभी सामने जो खड़े हो सुकून से बैठे भाई बैठ। ये पुरवा का लड़का है, गुलशन नाम है उसका, गुलशन नाम है और पुरवा का रहने वाला है, मोहन पुरवा का रहने वाला है, गुलशन नाम है उसका। तो बड़ा मेहरबानी भी है, गुलशन जहां पर भी हो वो आकर अपने रिश्तेदारों से जिनके साथ में आए हैं उनसे आकर मिल लो भाई। एक छोटा और बच्चा शकील भाई चूड़ी वाले जो कदियापुर में रहते हैं, उनका बच्चा भी यही रो रहा था। अगर आपको मिल गया तो कोई बात नहीं, नहीं मिला है तो यहाँ आके संपर्क कर लें। आपको कमेटी दफ्तर में याद किया जाता है। विनोद भाई बिल्डिंग वाले, तांगली भाई बिल्डिंग वाले और नूर अली बिल्डिंग बिरयानी वाले, आपको कमेटी दफ्तर में याद किया जा रहा है। एक बच्चा इमरान कहीं खो गया है, मोहनलाल पुरवा का है, अगर वो हमारी आवाज सुन रहा है तो कमेटी दफ्तर तक आ जाए। उनके अप्पा यहाँ खड़े हुए हैं और अगर किसी दलिया को मिला हो तो कमेटी दफ्तर तक भेज दो। चाय पी लीजिए, उसके बाद प्रोग्राम चालू हो। लतीफ अजमेरी कव्वाल कानपुरी, नेहा नाथ हैदराबाद, दिनांक 11 नवंबर, सहाबापुर में आ रहे हैं भाइयों। नेहा वाला नहीं है तो वो आ जावा करो।
प्रभु आदे रसूल है। मैं जिसका वादा खुदा उसका वादा, खुदा जिसका वादा मैं उसका वादा, मैं जिसका वादा अली उसकी वादा। तो दोस्तों मेरे अली से मोहब्बत है, अली से मोहब्बत है तो मेरे अली को, मेरे माला को, अपने माला को मिलकर मेरे साथ पुकारे, बोले Oh,
जगह है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी बैठना नहीं चाहते आप। इस तरह खड़े होकर सुन रहे हैं, कितनी तकलीफ में सुन रहे हैं आप, अच्छी बात है। अच्छा, अगर अगर फखरपुर का यही तरीका है तो कोई बात नहीं। बैठ गए ना फखरपुर के नाम से, बैठ गए, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अपने गांव की इज्जत का सवाल है, अपने शहर की इज्जत का सवाल है, उसकी इज्जत का सवाल है। बैठ 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 जाइए। देखो ये अपने अपने शहर से कितनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा अली, मेरे माला की चाहने वाली के, अली के चाहने वाले हाथ उठाना, हाथ उठाना, मेरे साथ में पढ़ना, पढ़ना बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे मौला को, मेरे साथ को, पुकार को देखो, मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। अली से मोहब्बत है, अच्छा नबी से मोहब्बत है, तो नबी वालों से मोहब्बत क्यों नहीं है? मैं कुछ जज्बा कम देख रहा हूं। अरे दोस्तों, गुस्ताखी की माफी चाहूंगा। देखिए आपके यहाँ आलिम आते हैं, बड़े बड़े फाजिल आते हैं, मौलवी आते हैं, तकरीर कर करके जाते हैं। मैं एक छोटा सा कव्वाल हूँ और वो भी मेरे गरीब नवाज का, मुझे समझिएगा कि एक खादिम, एक अतना सा गुलाम था। आपके दिल में ऐसी बैठेगी खुदा की कसम, अगर ये दो तीन जो बातें कह रहा हूँ इसे सुन लीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई भाईजान, आप बीच में खड़े हो गए, लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ऐसा मत करो भैया, मेहरबानी। हुजूर पाक
माता जी मुश्किल कुशा के घर पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं फातिमा तवज्जो तवज्जो अपनी रिदा मुझको दे दो, अपनी चादर मुझे दे दो। तो हजरत बीबी फातिमा सोचने लगी बाबा जान पता नहीं क्यों मेरी चादर मांग रहे हैं, आपने अपनी चादर ली और बाबा जान को दे दी। हुजूर पाक ने वो चादर ओढ़ी, जैसे ही चादर ओढ़ी तो बेटी कहती है यानी कि हजरत बीबी फातिमा कहती है बाबा जान या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं भी इस चादर के नीचे आ जाऊंगा। और करना तो नबी पाक कहने लगे जरूर बेटी आ जाओ, आओ आप अपने बाबा जान के साथ चादर में, कि इतने में माला भी मुश्किल कुशा थे। और देखते हैं देखते हैं तवज्जो दे दो तवज्जो, माला कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं भी इस चादर के नीचे आ जाऊंगा। तो नबी पाक कहते हैं अली बेशक आ जाओ क्योंकि ये तुम्हारा हक है, आप भी चादर के नीचे चले गए। कि थोड़ी देर में हजरत इमाम हसन अली मकाम और हजरत इमाम हुसैन अली मकाम खेलते हुए जैसे ही घर में आते हैं और आकर देखते हैं कि नाना जान रसूल पाक आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर के नीचे हैं, तो कहने लगे नाना जान हम भी खेलेंगे। तो नबी पाक कहने लगे आ जाओ मेरे बच्चों मेरे लाडलो आ जाओ। जैसे ही हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अली मकाम को आपने अपनी गोदी में बिठाया कि इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं और आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह कि शर्फ मुझे भी हासिल हो। तो नबी कहते हैं जिब्राइल पाक पंच तन पूरे हो चुके हैं सारे बोलो और तबलीग है। लोगों ने फोन किया अरे चांद कादरी आपकी मिसरा क्या पढ़ते हो, जेरे अर्श जो चमका ये वो सितारा है, चलो ठीक है। और फिर कह रहे हो कि मुश्किल में भी नबी ने जिसे पुकारा है, ये क्या गलत पढ़ रहे हो, ये तुम्हें ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, तुम मोमिनों को क्यों बरगलाते हो फटकाते हो। तो मैंने कहा हम ये बात चार दीवारी में नहीं करेंगे, फोन पर बात नहीं करेंगे, ये बात आवाम में करेंगे। और मैंने क्या जवाब दिया दोस्तों ये आपको सुनना है, लेकिन पहले आप पूरी मनखबत सुनो उसके बाद में खुलासा करता हूं। सुनिएगा जरा सारे बोलो money 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 money
सारे बोलो या सारे बोलो आवाज नहीं आ रही है सारे बोलो औली औली अली सारे बोलो औली औली अली सारे बोलो جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مکے سے ہجرت کرو تو اپنے بسترے پر سونے کے لیے کس کو پکارو؟ علی کو. بہت سی روایتیں ہیں, ایک روایت سن لیجیے گا کہ تین روز تک اسلامی لشکر خیبر کی بہار پڑا رہا اور فتح حاصل نہیں ہوئی,
फतेह हासिल नहीं हुई। जब तीन रोज गुजर गए तो आका ने रात में कहा कि कल सुबह परचम मैं उसके हाथ में दूंगा जो तमाम दुनिया में तमाम मर्दों का एक ही मर्द है। सुबह हुई, मौला अली मुश्किल कुशा तशरीफ लाए, इससे पहले जंग में ना थे। नमाज के बाद नबी ने कहा अली इधर आओ, जाओ खैबर को फतेह करो। और तमाम आलम जानता है कि उस वक्त खैबर के दर की क्या हालत थी, सिर्फ दो उंगलियों से दर खैबर उखाड़ा। मोमिनों, जिस वक्त जंगे अहद में नबी आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हुआ तो अल्लाह ताला ने कहा ऐ मेरे महबूब, क्या खिलवाड़ों की फौज भेज दूं? नबी ने कहा नहीं। अल्लाह ताला ने क्या कहा? क्या जिन्नातों की फौज भेज दूं? नबी ने कहा नहीं। कहा कि क्या फरिश्तों की फौज भेज दूं? नबी ने कहा नहीं। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब क्या चाहता है? नबी कहते हैं ए अल्लाह, अगर किसी को भेजना है तो अली को भेज दे। सारे बोलो ये सब क्यों नहीं बोल रहे जो खड़े? क्या समझ रहे हैं अपने आप को? सारे बोलो हाथ उठाकर बोलना ताकि मुझे पता चले। सारे बोलो अरे मिलकर बोलो नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कलाम पढ़ने में रह जाएगा, है ना? चलिए वो हो जाएगा। चलती है ख्वाजा की हुकूमत इस कोने से उस कोने तक।
سرکار مدینہ چلیے ٹھیک ہے سرکار مدینہ سے نسبت ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا تھا آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں اپنے مقام پہ آپ ٹھیک ہیں اگر اتنی مہلت دے دیتے کہ معرفتی نسبتی کے نام پڑھ لیتا میں تو یہ بھی کام پورا ہو جاتا سرکار سے نسبت کا اور اس کے بعد میں سرکار مدینہ سے نسبت ہو تو ایسی کیا خیال ہے آپ میں اس کلام سناتا ہوں سید نورانی میاں کا لکھا ہوا سننا چاہیں گے بھائی آواز نکالیے گا سننا چاہیں گے سنیے گا لا 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 چمن سننا دوستو بہت مزہ آئے گا گجرات کی ایک محفل میں ایک قوال کے ساتھ میں میرا مقابلہ تھا وہاں پر نورانی میاں تشریف لے آئے اب انہوں نے کیا کیا یہ کلام اس قوال کو پڑھنے کے لیے دیا سننا آپ مزہ آئے گا آپ کا خود تو رہنا میری بھی تو سنو آپ اصل گفتگو کر رہے ہو آپ ایسا مت کرو آپ تو قوال کو جب پیپر دیا کہا کہ بھائی یہ کلام پڑھ دیجیے گا سرکار نورانی میاں کہہ رہے تو اس نے کہا کہ ابھی تو کیسے طرز بنے گی اس کی اس نے منع کر دیا اس کے بعد میں میرا کنتا انہوں نے وہی پیپر میرے پاس بھیج دیا کہا کہ ذرا یہ کلام پڑھ دو شام قادری تو میں نے پاک بے نیاز کا نام لیا میرے نبی پاک کیسا کرم ہوا ذرا سننا آپ کو اچھا لگے گا کہ بلبل کو چمن بھنور کو گلزار چاہیے یہی تو مانگ رہا ہوں میں آپ کیوں نہیں بولتے
इतने मुश्किल मिसरे नहीं है, पहले से ही बोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं बोल रहे? मुझे बुलवाना चाहते हैं, फिर पढ़ता हूं, जवाब दे भी जाना। बुलबुल को चमन भंवरे को गुलजार महबूब को महबूब का दीदार चाहिए। सुभान अल्लाह बोलिए। सुनो शबाब से परवाने को बस शम्मा का दीदार चाहिए। चमन हमरे को गुलजार चाहिए, महबूब को बस हुस्न का, महबूब को बस, महबूब को महबूब का बस प्यार चाहिए। हो जाए चाहे खातमो हुस्नो शराब से, परवाने को बस शम्म का दीदार चाहिए। हो जाए दीदार चाहिए। किसी को जैसे खंजर काटता है, किसी को जैसे खंजर, मेरे दादा मियां, दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह, मेरे आका दादा मियां, जुम्बिश हुई है लब तो तहरीर बन गई, तेरी अदा मेरे लिए शमशीर बन गई। तो बोलते रहा गया, बोलते नहीं आने जल्दी बात। जुम्बिश हुई है लब तो तहरीर बन गई, तेरी अदा मेरे लिए शमशीर बन गई। मैंने कलम उठाया था लिखने को हाल दिल, ना जाने किस तरह तेरी तस्वीर बन गई। मैंने कलम उठाया था लिखने तस्वीर बन गई। ये चार किस्में मैं इस तरह बोलता हूं कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा मेरे दादा मियां, मेरे सरकार, मेरे जाना जाने जाना। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा मेरे दादा मियां। दादा मियां के चाहने वाले आ गए, ढालो 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 मान लो। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा तुम्हारे बाप किसी तरफ नहीं। सरकार से मिलने की तरफ देखिएगा,
सरकार का इंतजार देखिएगा कि कोई बेकर हो के दीवाना मेरे सरकार को देखने की तमन्ना रखता है और वो वक्त नहीं गिन रहा है। उम्र बीत रही है लेकिन सरकार का इंतजार है। सुने जरा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, ये सोच कर के तेरा इंतजार लाजिम है तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा तमाम से पड़ता है। ये चांद का भी अंदाज है, मम्मी करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। दासता छोड़ चला हूँ मैं जमाने के लिए, हमने ढूंढा है तुम्हें आपको पाने के लिए। बहुत बड़ी बात है कि दासता छोड़ चला हूँ मैं जमाने के लिए, हमने ढूंढा है तुम्हें आपको पाने के लिए। आप आ जाते मेरे घर ये यकीन था लेकिन खुद चला आया तुम्हें याद दिलाने के लिए। आप आ जाते मेरे घर ये यकीन था लेकिन खुद चला याद दिलाने के लिए कि आपको पाना नहीं, आपको पाता नहीं, जब आपको पाता हूं मैं आपको पाता नहीं, जब आपको पाता हूं मैं याद खो जाता हूं मैं या खो दिया जाता हूँ मैं, या तो खो जाता हूँ मैं या खो दिया जाता हूँ मैं। कि आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूँ मैं। मोबाइल वालों सुन लो, मोबाइल वालों सुन लो, आपको पाता नहीं। बैठो 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 यार छोड़ो, क्या बात है भाई, अच्छा रखे बैठे रहो। अरे रहा कि साहब का भी बड़ा काम है लेकिन हमारे जो नसीब भाई तिवारी साहब है उनका भी कम नाम नहीं है। देखिए कि आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूं मैं या तो खो जाता हूं मैं या तो दिया जाता हूं मैं। आगे आगे झूमता जाता है वो मस्ती खिला, पीछे पीछे नक्शे पाको सुनता जाता हूं मैं। आगे आगे एक दिन
दिल से आंखों से सो ऐसा भी होता है दादा मियां सरकार तुम्हारी याद में जागता हूँ दिल से और आंखों से सो जाता हूँ मैं किस तरह कि किसी को जैसे खंजर काटता है हमें फुरकत भी ऐसे काटता है किसी को जैसे खंजर काटता है हमें फुरकत भी ऐसे काटता है ख्यालों ख्वाबों में अक्सर मेरा दिल तेरे पूछे के चक्कर काटता है मस्त मस्त Na 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 na